हे गाइस, जैसा कि मैंने अभी जस्ट एक वीडियो बनाया पहले जिसमें आपको बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है, कह सकते हैं एक बार फिर से चांस दी है पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड वालों के लिए। लेकिन इसका ऑफिशियली नोटिस भी आ चुका है। मैं रेंडमली आपको बना रहा था वीडियो, लेकिन संयोग की बात है कि आपको इसका ऑफिशियली नोटिस भी आ चुका है, प्लस इसके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं। एंड आज की इस अपडेट से ये कंफर्म हो गया है कि अब आपका पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन की जो संभावना है वो भी लग रहा है, आपका डेट अब क्या होगा एक्सटेंड होने की संभावना है। साथ में ये भी जानेंगे कि पार्ट टू का एग्जाम कब होगा, पार्ट वन का एग्जाम कब होगा, मतलब ऑल ओवर ये वीडियो आपका यूजी से रिलेटेड है, यानी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन प्लान है, साथ में जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म करने के लिए यानी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो सारा एक बार फिर से लास्ट चांस मिला है, और ये लास्ट चांस किन के कारण से मिला है वो भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सराहनीय कार्य है और इसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए आपको स्टूडेंट्स लीडर्स को अक्सर सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आपके लिए क्या हो, आगे आकर के स्टैंड अप हो सकते हैं। यानी जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो मेजर प्रॉब्लम था वो था आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम, और रिकॉर्ड नॉट फाउंड के प्रॉब्लम के लिए जो स्टूडेंट्स को जो प्रोसीजर था वो था क्या, थी कि कॉलेज जाकर के आपको लेटर देना है। लेकिन संयोग की बात था कि 2 दिन का जो आपका 2 से 3 दिन लगातार जो आपका हड़ताल हो रहा था, या फिर जो आपका आने जाने की समस्या थी, यानी अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो आपका प्रॉब्लम था, इसको लेकर के जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो जदयू के जो छात्र संघ हैं वो आपको क्या करते हैं, एक आपको पत्र लिख कर देते हैं आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को। देख सकते हैं ये आपका है, और ये आपको महेश मंडल जी का टीम है, यहाँ पे कुलपति को देते हैं वो लेटर लिख कर करके, और इसके बारे में बताते हैं। ये आपका पूरा देख सकते हैं, ये लेटर में डिस्कस था कि अग्निपथ का जो स्कीम है इसके कारण से वो प्रॉब्लम हो चुका है। ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के जदयू के उपाध्यक्ष है, इनका नाम ये जो भी है ये अपना सब छात्र संघ के कैंडिडेट है, वो क्या किए कि लेटर लिख करके दिए, यानी यूनिवर्सिटी को जानकारी दिए कि अग्निपथ स्कीम के कारण से लगातार विरोध हुआ, और विरोध के कारण से पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आ पहुंचे, यानी कॉलेज नहीं जा पहुंचे, जिसके कारण से क्या हो गया, डेट ओवर होकर हो गया और वो अपना एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल नहीं कर पाए। जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये इनका पूरा आवेदन था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति को, और ये प्रति कुलपति को आवेदन आज जाकर के वो सबमिट किया। डेट देख सकते हैं 22/6/2022, जो कि आपका आज का डेट है। इसके बाद जब वो प्रति कुलपति को इसके लिए जब डेट देते हैं और वो आग्रह करते हैं प्रति कुलपति से, तो फाइनली प्रति कुलपति इसके लिए वो नोटिस को आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली वेबसाइट पर अटैच भी कर दिया गया है, जो कि आप नोटिस यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जो कि नोटिस यहाँ पर है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलिंग फॉर यूजी रेगुलर एंड वोकेशनल पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड। अगर बात की जाए इधर के सिचुएशन के बारे में, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपका पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन का है वो डेट ला चुकी है कि पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन जो आपका कंप्लीट होगा वो आपका 27 से चलेगा एग्जाम इधर, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इधर एग्जाम के बारे में भी ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी है। और आज फिर से एक नोटिस आता है कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो फिर से आपका फिल होगा पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड के लिए, और वो कितनों दिनों के लिए फिल होगा, तो वो याद रखेगा 2 दिनों के लिए फिल होगा। मैंने पहले की वीडियो में, अभी जस्ट के एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि 48 आवर्स के लिए एटलीस्ट आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा, और ये मैंने रेंडमली बताया था, लेकिन आप संयोग कह सकते हैं या लक कह सकते हैं कि आप इसका ऑफिशियली नोटिस भी बहुत ही कम सेकंड्स में आपका ऑफिशियली नोटिस भी आ गया, और जो कि ऑफिशियली नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पर है। इसमें क्लियरली बताया गया है कि डिग्री कॉलेजेस के प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि डिग्री वन यानी जो डिग्री वन के स्टूडेंट्स हैं, जो डिग्री टू के हैं या डिग्री थर्ड के हैं, उपरोक्त परीक्षाओं का जो परीक्षा प्रपत्र महाविद्यालय अपने स्तर से 24/6/2022 तक ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकेंगे। यानी ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स को नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम था और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे, वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे और अपने कॉलेज में विजिट करेंगे 24 जून से पहले तक। और 24 जून से पहले जाकर के क्या करना है, आपको अपना प्रीवियस ईयर का रिजल्ट दीजिएगा, या फिर अगर आप पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं एंड आपके लिए नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप प्लस साथ में एक लेटर दे दीजिएगा लिख करके कि आपके साथ नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, और प्लस में आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, या फिर अगर आप पार्ट टू के स्टूडेंट है तो पार्ट वन का रिजल्ट, पार्ट थर्ड के स्टूडेंट है तो पार्ट टू का रिजल्ट, और अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट कीजिएगा। प्लीज इस बार डेट को मिस नहीं कीजिएगा, 24 तक, मतलब 24 तक जाकर के आप जमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस था। वो भी मान लीजिए कि आपको अग्नि स्कीम का आपको भी फायदा मिल गया, आपको एक बार मौका मिल गया कि आपका डेट एक बार बढ़ गया, आपका 24 तक अब आपका डेट है, आप जाकर के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स का अगर नो रिकॉर्ड फॉर्म का प्रॉब्लम है, तो वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आकर के, यानी यहाँ के वेबसाइट पे आकर के वो अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नो रिकॉर्ड फॉर्म का प्रॉब्लम है, तो आपको कॉलेज जाकर के क्या करना है, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करवाना है। तो ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाने का, ये आपका पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड तीनों के लिए, ध्यान रखिएगा डेट आपका 24 जून तक है, ये लास्ट डेट है। इसके बारे में फिर से आपको रिपीट करता हूँ, द लास्ट डेट भी 24 जून, यानी 24 जून आपका है,
24 जून के लास्ट डेट को प्लीज क्रॉस नहीं कीजिएगा, अदरवाइज फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं होगा एंड फिर आपका सेशन क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन को लेकर, यानी पार्ट थर्ड से पहले स्टार्टअप करते हैं। आप जानते हैं कि अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पार्ट थर्ड, पार्ट टू, पार्ट वन इसका भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है, प्लस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है, आपका पीजी का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है। ये भी बात को ध्यान रखिएगा कि आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इधर पार्ट थर्ड, पार्ट टू एंड पार्ट वन का एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा है, तो आपका पीजी का भी फॉर्म फिल हो रहा है। अब इसे ये सिचुएशन आपका कह सकते हैं, ये सिचुएशन आपका कुछ कॉन्स्पिरेसियस सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि पहले पीजी का आपका एग्जाम होगा या फिर आपका पार्ट थर्ड का होगा, लेकिन अभी तक के अपडेट से ये कंफर्म है कि पहले एग्जाम आपका पार्ट थर्ड का होगा, इसके बाद मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि पीजी का हो जाए और इसके बाद फिर आपका पार्ट टू का एंड पार्ट वन का। ये आपका सिचुएशन अभी क्रिएट हो रहा है क्योंकि पीजी का भी सेमेस्टर को क्लियर करना है, जिसके कारण से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने पीजी के एडमिशन को स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पार्ट वन के एडमिशन को स्टार्ट कर चुकी है लेकिन पीजी का एडमिशन भी इसको स्टार्ट करना है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता है कि पार्ट थर्ड के एग्जाम पीजी का, पार्ट थर्ड के बाद यानी पार्ट थर्ड का जब तक रिजल्ट वगैरह आएगा तब तक क्या हो जाएगा कि पीजी का वो एग्जामिनेशन फॉर्म यानी पीजी का एडमिशन फॉर्म को यूनिवर्सिटी ले सकती है। यानी ऑल ओवर करने का मतलब है कि पार्ट थर्ड के बाद ये आपको 70% चांसेस है कि फिर आपका पीजी का एग्जाम हो जाए। और अगर एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो ये तो अब लग रहा है सिचुएशन को देख करके ये कंफर्म है कि अब आपका जो एग्जामिनेशन का है वो आपका डेट भी बढ़ेगा। पहले का डेट आपका क्या था, अभी का जो यूनिवर्सिटी डेट जारी की वो आपका 27 जून से है, लेकिन अब मैक्सिमम उम्मीद है कि ये आपका एग्जाम शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पार्ट थर्ड का एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह आप कह सकते हैं कि 27-28 तक आपका एडमिट कार्ड ही आएगा। पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि 25 तक आपका एडमिट कार्ड आएगा, चूंकि ऑफिशियली नोटिस नहीं था, मैं आपको प्रेडिकेशन कर रहा था, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि अब जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पार्ट थर्ड का एग्जाम है वो आपका शिफ्ट हो गया एक यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और फिर आपका जो पीजी का एग्जाम है इसके बाद पीजी का एग्जाम होगा। पीजी का एग्जाम का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपको समथिंग 15 से लेकर के 20 जुलाई तक आपका पीजी का एग्जाम हो जाए, और इसके बाद फिर पार्ट टू का एग्जाम होगा, तो पार्ट टू का एग्जाम कर सकते हैं लास्ट ऑफ जुलाई में, और पार्ट वन का जो एग्जाम है अब लग रहा है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका जा सकता है। चूंकि यूनिवर्सिटी का मेन एम है इस बार का कि एडमिशन का जो सेशन है उसको पटरी पर लाना, इसके लिए ऑलरेडी यूजी के एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बट पीजी का भी एडमिशन स्टार्ट करना है, इसलिए पार्ट थर्ड के बाद पार्ट वन का एग्जामिनेशन का, पार्ट थर्ड के बाद पीजी के एग्जामिनेशन का प्लानिंग ये आपका हो सकता है। ये आपका एग्जामिनेशन के प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। पार्ट थर्ड के एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो पार्ट थर्ड का एडमिट कार्ड अब आपका लास्ट वीक यानी जो लास्ट आपका जून है वो आपका लास्ट जून तक आपका क्या होगा पीजी का आपका यानी जो लास्ट जून है ऑफ लास्ट जून तक आपका क्या हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा पार्ट थर्ड के लिए। तो ये आपका करंटली अपडेट है, आशा करते हैं ये अपडेट आपको समझ में आया होगा। तमाम सारा इन्फॉर्मेशन था, तमाम सारा इन्फॉर्मेशन को मैंने आज के इस वीडियो में कंक्लूड किया। सो गाइज आशा करते हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहा होगा। वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।